डीप फेक AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको हिला के रख देगी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप कोई भी सेलिब्रिटी को आप जो चाहे वो बुलवा सकते हो या करवा सकते हो। आपको बस जरूरत है कुछ चंद वीडियोस और फोटोज की। जैसे कि हाल ही में एक स्कैम सामने आया था जिसमें एक आदमी को व्हाट्सएप पे उसके ही दोस्त के वीडियो को शेयर किया जाता है, जहां वो दोस्त उसे 40,000 रुपए मांग रहा था। लेकिन ये जो वीडियो था वो एक फेक वीडियो था। जी हाँ, ये अभी ही इतना ज्यादा खतरनाक है कि सोचो ये आगे चल के कितना खतरनाक होगा सोच भी नहीं सकते। पर ये डीप फेक AI एग्जैक्टली है क्या और ये आप और मेरे जैसे आम जनता को कैसे ये खतरे में डाल सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में ये साल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां आपको एलिवेटर से निकलते हुए वीडियो में आपको दिख रही होंगी और ये वीडियो देख के आपको लगा कि ये एकदम 100% रियल है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये वीडियो रियल नहीं है, ये एक्चुअली फेक वीडियो है और ये एक्चुअली किसी और महिला का वीडियो है। इस वीडियो से रश्मिका मंदाना का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वीडियो में एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर है जारा पटेल, जिनकी बॉडी पर रश्मिका का फेस डाला गया है। ये बहुत ही एक परफेक्ट एग्जांपल है डीप फेक वीडियो का। कई डीप फेक्स मार्केटिंग कैंपेन में भी यूज किया जा रहा है, जैसे कि कैडबरी की कैंपेन चालू हुआ था जहां एक्टर SRK अपने वीडियो में अलग अलग रिटेलर शॉप का नाम ले रहे थे अपनी आवाज में। ये कैंपेन लोकल रिटेलर्स को मदद करने के लिए निकाला गया था, जैसे कि ये वीडियो देखिए। दिवाली आप भी ना अपने पास वाले चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ से ही। और ये डीपफेक सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन में भी नहीं बल्कि पॉलिटिकल कैंपेन में भी इसका यूज हो रहा है, जैसे कि 2020 की ये वीडियो देखिए। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। He said they will install 15 lakh CCTV cameras. Have they installed? वादिया के नाम पे इन्होंने सिर्फ ठगिया है, पर इबके मौका है दिल्ली के धोरे। आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि तीनों वीडियो ही ओरिजिनल है, बस अच्छा ये नहीं है। इसमें सिर्फ एक हिंदी वाली वीडियो थी जो कि ओरिजिनल है, बाकी सब डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और ये BJP ने यूज किया था 2020 के दिल्ली इलेक्शंस के लिए। पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डीप फेक AI बनाया कैसे जाता है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। इसको डीप फेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट है, जहां कंप्यूटर को इतना डेटा दिया जाता है और फिर डेटा को लेके वो ऐसे फोटोज और वीडियोस बना पाते हैं। जिसको टारगेट करना चाह रहे हो उसके कुछ वीडियोस और फोटोज ही काफी हैं एक वीडियो बनाने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियो बनाई जाती है क्योंकि उनकी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती है। लेकिन अभी यह टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है क्योंकि ये वीडियोस बनाते हुए अभी भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे कि पिक्सेलेटेड वीडियोस और फ्रेम एरर्स। हमारे आंखें इतनी शार्प है कि वो एक फ्रेम को भी पकड़ लेती है, फॉर एग्जांपल। पर जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है वैसे ये एरर्स भी हटे जाएंगे और एक परफेक्ट वीडियो बन पाएगी जो कि बहुत ही खतरनाक होगा पूरी दुनिया के लिए। इमेजिन करो, कल सुबह उठ के आपने एक वीडियो देखा जहां PM मोदी का एक डीप फेक वीडियो लीक हो जाता है जिसमें वो पाकिस्तान पे अटैक करने का बात कर रहे हैं और अगले ही दिन पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। डीप फेक इतना खतरनाक हो सकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए 28 कंट्रीज एक AI रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्लान कर रही है, जिसमें इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी इंक्लूडेड है। पर जहां डीप फेक का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है, वहीं और इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज इसको यूज कर सकती है, जैसे क्लोन वॉइस यूज करके या फिर अपने फिल्म फुटेज अपडेट करने के लिए डीप फेक AI का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना रीशूटिंग किए। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये SRK का वीडियो देखा, इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और मार्केटिंग कैंपेन में इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों, स्मार्टफोन भारत के हर एक कोने में आ गया है और यही स्मार्टफोन का कुछ लोग सही इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग गलत। इन सभी से बचने के लिए लोगों के बीच डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ही जरूरी है ताकि ये सब स्कैम्स ना हो पाए। दोस्तों, AI की हिस्ट्री जानना और AI का फ्यूचर जानना ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इसलिए हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया है। आप राइट क्लिक करके हमारा ये वीडियो देख सकते हो। जय हिंद।